हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि DSSSB और AWES का अब एग्ज़ाम होगा, और AWES का एग्ज़ाम तो 19 और 20 अक्टूबर को होना है। DSSSB का एग्ज़ाम भी इसके बाद ही होगा, और आप लोगों की प्रिपरेशन भी चल ही रही होगी। तो इसके लिए जो जनरल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है आपके सिलेबस का, तो उसका डेली का वन पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे। तो आज डे फर्स्ट का टॉप 10 जो प्रश्न है उनका पार्ट है, तो आप लोग प्लीज़ इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसके साथ ही आप जब डेली इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा आज का फर्स्ट का। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों ICC अवार्ड, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक साथ अपने नाम किया था। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, जो रूट और हेनरी निकोलस, AV डिविलियर्स या विराट कोहली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विराट कोहली। ऑप्शन डी विराट कोहली, देखिए विराट कोहली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10% के आरक्षण में से कितने प्रतिशत राज्य के कापू जाति के लोगों को दिया गया है। तो चार ऑप्शन है आपके, 0.07, 0.08, 0.05 या 0.04। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0.05, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश के जो देश है कंट्री में 100 रुपए से अधिक के मूल्य में जो भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, नेपाल, चीन, रूस या जापान। तो सही आंसर जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नेपाल। देख रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन ए नेपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान किस निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। टीम ऑफ द ईयर 2018, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन बी विराट कोहली। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च व कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की मांग के मामले में निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन गया। बताइए कौन सा है ऑप्शन सही, रूस, नेपाल, जापान या पाकिस्तान, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति की डॉल्फिन को हाल ही में बांद्रावली समुद्री लिंक के समीप देखा गया है। चार ऑप्शन है, चार्म बुड डॉल्फिन, हम्पबैक डॉल्फिन, डाइविंग डॉल्फिन या गंगा रिवर डॉल्फिन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा हम्पबैक डॉल्फिन। देखिए आंसर आप लोग देख रहे होंगे लास्ट में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। जल्दी से बताइए, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, ऑक्सफैम या फोर्ब्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सफैम। ऑक्सफैम संस्था ने बताया है कि जो भारत है उसके 1% लोग हैं जिनके पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधि आहेन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य एक दूसरे का बचाव
दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और जर्मनी। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। ऑप्शन डी जर्मनी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में वलांगीर विचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय जो विद्यालय है की आधारशिला रखी? तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या गोवा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस देश ने कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और रियायत नहीं दी जाएगी? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो इसने कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को रियायत नहीं दी जाएगी? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके टॉप 10 प्रश्न हैं उनका डे फर्स्ट थे, ये DSSSB और AWES आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट मिस एनी क्वेश्चन और कंटिन्यू रहिए। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।